मेरा नाम इरफान अहमद शाह, मैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, मैंने पिछली बार 2 हफ्ते बाद सेक्रेटरी साहब से बात की, महमूद साहब से, और डायरेक्टर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई डिसीजन नहीं आया। कभी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम बोल रही है, कभी हमारी बोर्ड मास प्रमोशन बोल रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि आपको असेसमेंट एग्ज़ाम्स पर प्रमोट किया जाएगा, ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट आपको प्रमोट किया जाएगा, अभी तक कोई फैसला ही नहीं आया। अब बोल रहे ऑफलाइन एग्ज़ाम, अगर वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए बोल रहे तो हमारी सेहत की एकोमोडेशन कौन ले, हम रहेंगे कहाँ से? मैं दूर से आया हूँ, कुपवारा से, यहाँ गांधरबल से आ रहे हैं बच्चे, श्रीनगर से आ रहे हैं, मतलब दूर दूर इलाकों से बच्चे आ रहे हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी एकोमोडेशन का है। हॉस्टल जो है वो वहाँ पर कोविड सेंटर बना के रखा है, तो अब आप ही बताएं हम क्या करें सर, हमारे हक में कोई डिसीजन आए, अच्छा सा डिसीजन। आप चाहते क्या सर? हम ये चाहते हैं जो इंटरमीडिएट सेमिस्टर्स हैं उनको प्रमोशन दी जाए, बाकी जो है उनको भी, उनके हक में भी कोई डिसीजन आए, क्योंकि वो फाइनल ईयर से, मैं इंटरमीडिएट की वसात से बात कर रहा हूँ कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो उनको बोला है हम आपको ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट प्रमोट कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट, हमने दिया है। और जो ऑनलाइन क्लास थे वो टोटली यूजलेस थे। पूरे इंडिया में हम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट में भी हैं, उनके साथ भी यही इशू है कि हमारा अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इशू नहीं किया है ऑर्डर। हम सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, इवन 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं सेक्रेटरी साहब से मिला था। सो उन्होंने बोला था कि 2 हफ्ते में आ जाएगा ऑर्डर कोई ना कोई, तब से 2 हफ्ते भी हो गए, कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक सर। कोई ऑर्डर आ जाए, एक हमारे फेवर में आ जाए सर, हम तो भी अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स इनको लेने हैं तो सर कहाँ, बहुत दूर से आना पड़ता है बच्चों को कॉलेज में, इवन हमारे इनकी अकोमोडेशन, ये रहेंगे कहाँ, ये क्या करेंगे, खाएंगे क्या, हॉस्टल में, हॉस्टल कोविड सेंटर बना हुआ है सर, वहाँ पे सब कोविड पेशेंट्स हैं, रहेंगे कहाँ ये? दैट्स आर मेन मोटो सर। हमको चाहिए कि हमारे फेवर में कोई डिसीजन आ जाए जल्द से जल्द, हम कुछ करें उसके बारे में, क्योंकि हमारे करियर का सवाल है सर।